तो यार दोस्तों कैसे हुए आप सब। स्वागत है आप सबका ट्विस्ट है एनिमे पर। और वादे के अनुसार ये लिस्ट पोल वाइज है जिसमें टॉप 10 ने महारत हासिल की है। अब पूछोगे कैसे, तो आई एम क्लेवर। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टॉप 10 शोजो एनिमे। अगर आपको शोजो नहीं मालूम तो ये एक ऐसी जानर होती है जो गर्ल ऑडियंस या फिर यंगर फीमेल कैटेगरी को फॉलो करती है। एंड मैं आपको प्योरली गर्ल्स वाली एनिमे नहीं दिखाऊंगा। अगर आप रोमांस फैन हो तो ये लिस्ट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है। एंड ऑल्सो इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनिमेज हैं। अगर आपको और सजेशन चाहिए रिगार्डिंग रोमांस कैटेगरी, आई बटन आया होगा उसमें जाके देख लो। और हाँ, थोड़ा बियर्ड कर लेना यार, वो थोड़ी पुरानी स्टाइल वाली वीडियो है एंड उसमें मैंने बहुत सारे एनिमेज को कवर किया था, अच्छे एनिमेज को, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना थोड़ा बियर्ड करके। तो यार फाइनली चलते अपने वीडियो पर। 10वें नंबर पे है पीच गर्ल। इसके टोटल 25 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग 7.03 की है। इसकी स्टोरी एक एवरेज हाई स्कूल लड़की जिसका नाम मोमो अदाची है उसके ऊपर है। सबको लगता है कि ये एक स्लट या फिर गंदी लड़की है बिकॉज ऑफ अ टैंड स्किन, मतलब सावला होने की वजह से। बट रियल रीज़न टैनिंग का ये होता है कि शी वॉज ऑन दी स्विमिंग टीम एंड इजिली टैन हो जाती है। अब इसे एक लड़का पसंद है जिसका नाम तोची है, बट उसे नॉन टैंड लड़कियाँ पसंद है। अब इसके वजह से वो खुद को क्वेश्चन करने लगती है एंड बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि वो तोजी के पसंद की लड़की बने। पर तुझ तो तब आता है जब उसकी दोस्त, जो कि बहुत ज़्यादा हरामी होती है, साय कुछ भी करके मोमो को बेइज्जत करके तोजी को उससे दूर करना चाहती है। एंड इसी बीच एक लड़का जिसका नाम काइडी है वो मोमो से प्यार करता है। इस एनिमे में डिप्रेशन, सैडनेस, लव एंड रिवेंज को बहुत बारीकी से दिखाया गया है, तो इसे ज़रूर देखना अगर आप उस मेंटल स्टेट से जा रहे हो। तो यार 9वें नंबर पर जो आता है वो है मंथली गर्ल्स नोजाकी कुन। इसकी रेटिंग 8.04 की है एंड इसके टोटल 12 एपिसोड्स है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि चियो साकुरा एक हाई स्कूल लड़की को क्रश होता है एक स्कूलमेट पर जिसका नाम उमेतारो नोजाकी है। अब जब चीहो अपना प्यार कन्फेस करती है, नोजाकी उसे गलत समझ लेता है एंड सोचता है कि ये शायद एक फैन है एंड ऑटोग्राफ दे देता है। अब चीहो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तभी नोजाकी उसे अपने घर बुलाता है एंड कहता है तुम्हें मेरे लिए ड्राइंग्स बनानी होगी। अब चीहो को पता चलता है कि नोजाकी एक फेमस सोजो मांगा आर्टिस्ट है जो साकिको यामानो के नाम पर काम करता है। अब अपनी मेन कैरेक्टर उसके साथ काम करने लग जाती है उसके पास आने के लिए। आपको भर भर के कॉमेडी मिलेगी और कैसे बाकी सपोर्टिंग कास्ट इनका मांगा ख़त्म करने में हेल्प करते हैं वो भी देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो इसको ज़रूर देखना। तो आते हैं अपने 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर जो आता है वो है स्पेशल ए। इसके टोटल 24 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 7.61 की है। तो आते हैं इसके स्टोरी पर। हिकारी हानाज़ोनो हमेशा से वो सारे काम कर लेती है जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। बचपन में उसे ये लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता अनलेस शी मीट्स के ताकेशिमा। उसे लगा इसे भी वो हरा देगी और जीत जाएगी, सो शी चैलेंज्ड हिम टू अ मैच, बट सब उल्टा होता है एंड वो बार बार हार जाती है। तब से उसने ये ठाना है कि ताकेशिमा को एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स दोनों में चित करना है। अब ये करने के लिए वो एक प्रेस्टिजियस स्कूल में जाती है जहाँ ताकेशिमा भी होता है। अब ये दोनों टॉप 2 रैंक्स रखते हैं स्कूल में 7 टॉप स्टूडेंट्स के बीच जिन्हें स्पेशल ए बोलते हैं। अब क्योंकि हिकारी ताकेशिमा को राइवल मानती है बट डीप डाउन शी हैव फीलिंग्स फॉर हिम, सो हाँ इसमें आपको फ्रेंडशिप, कॉम्पिटिशन, लव का कॉम्बिनेशन बहुत सेटिस्फाइंग मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर से देखना। तो यह आते हैं अपने 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर जो आता है वो है माई लव स्टोरी। इसके टोटल 24 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग 8 की है। ये शायद वन ऑफ दोस एनिमे है जिसका यूनिकनेस सोजो कैटेगरी को रीडिस्कवर करता है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ताकियो गोडा एक लंबा बॉडी बिल्डर वाला स्टूडेंट होता है जिसके पास खास लक नहीं होता लड़कियों के साथ। अब जो लड़की वो पसंद करता है वो लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने लगती है, बट ये ज़रूर बोलूँगा उसका बेस्ट फ्रेंड यार बहुत अच्छा होता है जिसका नाम मकोटो सुनाकावा है, जिसके पास चार्मिंग एंड गुड लुक्स वाली पर्सनालिटी भी होती है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब ताकियो एक लड़की रिनको यामाटो को सेव करता है। ये एक इनोसेंट शाई लड़की होती है एंड गेस व्हाट, शी इज सो नाइस कि शी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद ताकियो,
बट कैसे लोग इस पे रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे मुश्किलात से इनको जाना पड़ेगा, वो आपको एनिमे में मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्वीट स्टोरी है इसकी, तो इसको ज़रूर देखना। तो यह आते हैं अपने छठवें नंबर पर। छठवें नंबर पर जो आता है वो है ओरन हाई स्कूल होस्ट क्लब। इसके टोटल 26 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 8.2 की है। एंड ऑल्सो ये एक ऐसी यूनिक क्लासिक सोजो है जिसे देख आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हारुही फुजियो का एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट जो प्रेस्टिजियस ओरन एकेडमी एक अमीर लोगों का स्कूल में एडमिट होता है, अब वो एक शांत जगह खोजता है जहाँ वो आराम से पढ़ सके। तो गलती से वो थर्ड म्यूजिक रूम चले जाता है जहाँ उसे ओरन एकेडमी होस्ट क्लब के बारे में पता चलता है। एक ऐसा एकेडमी जिसमें 6 लड़के हैं एंड ये लोग लड़कियों को इंटरटेन करते हैं चाय एंड स्वीट्स देकर। अब गलती से हारुही एक एंटिक वास जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है उसे तोड़ देता है, जिसके वजह से उसे पे करने के लिए उस क्लब में काम करना होगा। पर तुझ तब आता है जब सबको पता चलता है कि हारुही एक्चुअल में लड़की है। जी हाँ, ये एक लड़की होती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एंड बहुत अच्छे से लड़कियों को इंटरटेन भी कर सकती है ये, तो ये देखने में आपको मज़ा आएगा कि वो कैसे उसका रोमांस एलिमेंट आपके चारों ओर घूमेगा एंड हाउ शी विल इंटरटेन द गर्ल्स एंड ऑल्सो कैसे वो एंटिक वास को पे करेगी। ये सब आपको भर भर के मिलेगा, मज़ा आएगा आपको इसको देखने में। ये क्लासिक सोचो एनिमे है। तो यह आते हैं अपने पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पर जो आता है वो है My Little Monster। इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 7.60 की है। ये वन ऑफ माई फेवरेट सोजो एनिमे, तो इसे ज़रूर से देखना। तो आते हैं इसके स्टोरी पर। सीजुको मिजुतानी एक ऐसी लड़की है जिसे बस पढ़ाई एंड ग्रेड से मतलब है, बट एक दिन सब चेंज हो जाता है जब वो हारू योशिदा से मुलाकात करती है, एक ऐसा वायलेंट ट्रबलसम लड़का जो क्लासेस अटेंड करना छोड़ दिया है आफ्टर गेटिंग इनटू द फाइट अर्ली इन द स्कूल ईयर। बट एक्चुअल में वो सीजुको से डिफरेंट नहीं होता, कॉज उसे भी ह्यूमन नेचर नहीं समझ आता एंड ना ही उसका कोई दोस्त है। मज़ा तो तब आता है जब वो बोलता है शिजुको को कि तुम मेरी दोस्त हो एंड कन्फेस करता है उसके फीलिंग्स के बारे में। अब क्योंकि शिजुको हैव नो फ्रेंड्स, उसे समझ नहीं आता हारू को कैसे हैंडल करना है एंड इसी बीच शी स्टार्ट्स लाइकिंग हिम, बट वो कन्फ्यूज होती है व्हाट दिस इमोशंस एंड फीलिंग्स आर। ये एनिमे आपको प्यार, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, फ्रेंडशिप्स बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है एंड हाउ हारू एंड सीजुको विल डिस्कवर द डार्कनेस ऑफ रिलेशनशिप एंड इमोशंस देख के आप बहुत ज़्यादा खुद को रिलेट कर पाओगे। तो इसे ज़रूर देखना, ये एक मस्ट वॉच एनिमे है। तो आते हैं अपने चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो आता है वो है फ्रूट्स बास्केट। अब देखो, आई टेल यू टू वॉच द रिबूटेड एनिमे ऑफ दिस सीरीज बिकॉज पुराने वाले उतने अच्छे से एंडिंग नहीं हुई है एंड ऑल्सो उसकी एनिमेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो अब 2019 वाली देखना जिसमें 35 एपिसोड्स है एंड अभी भी उसमें एयर हो रहा है, जिसको दो सीजन में बांटा गया है। इसकी रेटिंग 8.27 की है एंड ये एक मस्ट वॉच सोजो एनिमे है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि टोरू होंडा को हमेशा से चाइनीज़ ज़ोडियक बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में बहुत ज़्यादा बताती थी इन सब के बारे में। अब एक ट्रेजेडी की वजह से शी इज़ नाउ अलोन एंड फोर्स्ड टू लीव अलोन ऑन ए टेंट, बट उसे नहीं पता था कि उसका जो टेम्प्रेरी घर है वो सोमा फैमिली के ज़मीन पे है। एक दिन जब वो सोमा फैमिली के घर जाती है, शी मीट्स शिगोरे एन ओल्डर सोमा कज़न एंड यूकी द प्रिंस ऑफ हर स्कूल। जब तोड़ू बोलती है कि मैं यहीं टेंट में रहती हूँ, बट सडनली सोमा फैमिली को ट्रेजेडी एंड रीजंस पता चलता है एंड वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं यार, दे ऑफर तोड़ू अ रूम इन देयर फैमिली। सो या उनके घर पर उनको उसको एक रूम दिया जाता है। यही एंट्री होती है क्योंकि जो एक वायलेंट यूकी का कज़न है, बट थिंग्स चेंज होती है जब तोड़ू को सोमा फैमिली के सीक्रेट्स पता चलता है कि इफ़ ऑपोजिट जेंडर को गले लगाया जाए गलती से भी, तो सोमा फैमिली का वो मेंबर जोडियक साइन वाले जानवर में बदल जाता है। ये शायद वो एक स्लो पेस्ट एनिमे है जिसको स्लो पेस्ट होने का रीज़न मिल चुका है क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर को, हर एक जोडियक साइंस वाले कैरेक्टर्स को बहुत ब्यूटीफुली उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट्स दिए गए हैं एंड अपनी तोड़ू है ही इतनी क्यूट कि कोई इसे छोड़ ही नहीं सकता। तो यार इसको तोड़ू के लिए यार देख लो यार, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, ये एनिमे
बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यार तीसरे नंबर पे जो आता है वो है से आई लव यू। इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 7.55 की है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मे ताचिबाना एक ऐसी हाई स्कूलर जिसे आसपास क्या हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं, एंड शी हैव दिस माइंडसेट कि फ्रेंड्स विल ऑलवेज बिट्रे यू, जिसकी वजह से उसका ना ही कोई बॉयफ्रेंड और ना ही कोई दोस्त है उसके बचपन के एक इंसिडेंट की वजह से। अब एंट्री होती है यामाटो कुरोसावा की, एक पॉपुलर स्टूडेंट जिसे मे पहले इनकाउंटर में किक कर देती है ये सोच के कि ये एक परवर्ट है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब कुरोसावा मे पे इंटरेस्ट लेने लगता है विथ द र्यूमर कि कुरोसावा हर एक लड़की को किस करता है। अब आपको पता चलेगा कि लाइफ की किन सिचुएशन से अपनी जो मे ताचिबाना है वो उससे गुजरती है, एंड यामातो कुरोसावा का जो ये र्यूमर है वो क्या है, ये आपको इस एनिमे में इतने अच्छे से देखने को मिलेगा कि आप कुछ देर के लिए खो जाओगे इस एनिमे में। तो यह आते हैं अपने दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है My all time favorite anime which is Maid Sama, जिसके total 26 episode है and इसकी rating 8.10 की है। इसकी story कुछ ऐसी है कि Misaki Ayuzawa school की first female student council president है। इसका reason ये होता है कि ये school बहुत recent में all boys से co-ed बना है and Misaki एक बहुत strict लड़की होती है जो बुरे लड़कों को punish करती है Seika High School की लड़कियों को protect करने के लिए। बट क्या हर चीज़ परफेक्ट होती है? शायद नहीं। यही चीज़ इस एनिमे की खासियत है क्योंकि मिसाकी के पास एक ऐसा सीक्रेट है जिसे उसे बहुत ज़्यादा शर्म आता है क्योंकि जब वो स्कूल में नहीं होती शी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड एट ए मेड कैफे, क्योंकि वो बहुत गरीब होती है एंड शी हैज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट हर सीक्रेट छुपाया नहीं जा सकता एंड ताकुमी उसुई एंटर्स जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है एंड वो उसी मेड कैफे में जाता है। अब मिसाकी कैसे अपने रेपुटेशन को संभालती है एंड व्हाई उसी केम टू कैफे, इज दिस लव या फिर रोमांस या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ, ये सब आपको इस एनिमे में मिलेगा। मैं बता देता हूँ कि इनकी जोड़ी वन ऑफ द क्यूटेस्ट जोड़ी है जो कि मेरे को लगी और शायद बहुत लोगों को मानना भी है, बिकॉज हाउ मच दे सपोर्टेड ईच अदर इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन नेचर। तो इसको ज़रूर देखना, ये एक मस्ट वॉच सोचो एनिमे है। तो यह आते हैं अपने पहले नंबर पर। पहले नंबर पर जो आता है वो है नाना। इसके टोटल 47 एपिसोड्स है एंड इसकी रेटिंग 8.46 की है। ये एक मास्टरपीस है। फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन डिप्रेशन एंड वॉन्ट टू एंड योर लाइफ देयर, प्लीज वॉच इट। इट्स ए प्योर मास्टरपीस क्योंकि इसमें हर एक चीज़ दिखाई गई है अ पर्सन गोज थ्रू। तो आते हैं इसके स्टोरी पर। नाना कोमात्सु एक हेल्पलेस 20 साल की लड़की जिसे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है एंड वो बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाती है आसपास के लोगों पर। बट द फैक्ट इज उसका ड्रीम होता है कि वो खुद को रीडिस्कवर करके अपनी सारी बुरी आदतें हटाए, बट स्टिल टोक्यो ट्रेवल कर लेती है उसके करेंट बॉयफ्रेंड सोजी एंडो की वजह से। दूसरी ओर नाना ओसाकी एक प्राउड रॉक वोकलिस्ट जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जो इंडिपेंडेंट है एंड एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती है जो कि उसका ड्रीम होता है। अब वो अपना कैरियर पॉपुलर बैंड के साथ एंड प्यार उसके फॉर्मर मेंबर को दाव पे लगा देती है एंड उसी से वो टोक्यो आ जाती है, वही सेम ट्रेन में जहाँ पे नाना कोमात्सु होती है। अब किस्मत से दोनों लड़की विद सेम नेम बट विद डिफरेंट ड्रीम्स एक साथ आ जाती है क्योंकि कुछ इवेंट्स की वजह से उन दोनों को एक ही अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। आपको इस एनिमे की स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, हाउ बोथ दी नाना सपोर्ट ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स और कैसी उनकी दोस्ती एक नेवर एंडिंग बॉन्ड में चेंज होती है, वो देख कर शायद एक टाइम पे आप इमोशनल भी हो जाओगे। तो इसको ज़रूर देखना क्योंकि ये एनिमे मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसको ज़रूर देखना और ये वन ऑफ द बेस्ट सोजो एनिमे है, तो इसको ज़रूर से देखना। तो यार होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ग्रुप है उसको ज्वाइन करना मत भूलना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो और कमेंट तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायो नारा।